ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम समीर सौरभ है। इस साल मैंने 32nd रैंक लाया है। लास्ट ईयर मेरा 142 रैंक था और मुझे IPS मिला था। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मेरे रैंक इम्प्रूवमेंट का, दैट वॉज इंटरव्यू, बिकॉज लास्ट ईयर आई गॉट ओनली 149 मार्क्स, विच इज़ बिलो एवरेज मार्क्स, बट दिस ईयर आई गॉट 179, सो देर वॉज अ चेंज ऑफ 30 मार्क्स इन माई टोटल मार्क्सशीट। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ किया या क्या क्या चीज़ करना चाहिए आप लोगों को, सो दैट योर मार्क्स इन इंटरव्यू कैन इम्प्रूव। एंड आई वुड लाइक टू से दैट मेरे दोनों साल सेम ही बोर्ड थे, सो जो मार्किंग मार्क्स देने का पैटर्न था बोर्ड का, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। व्हाट हैपेंड दिस टाइम, आई वॉज ऑलरेडी इन IPS, सो मेरे पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने प्रिपरेशन तो किया, बट मेरे दिमाग में हमेशा ही माइंडसेट में चलता था कि अगर इंटरव्यू ख़राब भी हुआ तो देयर इज़ नथिंग मच टू लूज़, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। सो ये चीज़ मेरे में कॉन्फिडेंस लाया कि ठीक है, डरना नहीं है वहाँ पर जाकर के। तो ये एक फ़ायदा किया मुझे, और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं डरा। आई वॉज ग्रिल्ड बाय वन और टू मेम्बर्स फॉर सम टाइम, बट आई वॉज नॉट रिलक्टेंट टू स्माइल, आई वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन के आंसर देता चला गया। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू DAF, दैट इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। DAF का हर वर्ड काउंट करता है, एवरी वर्ड काउंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्कूल का नाम आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल है, तो यू शुड नो हु वॉज आर्यभट्ट, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उनकी क्या टीचिंग्स रही हैं, आज उनका क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सिटी का नाम, मेरे फ्रेंड के सिटी का नाम डाल्टनगंज है, देर इज़ डाल्टन वर्ड इन डाल्टनगंज, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन डाल्टन से रिलेटेड फिजिक्स में घुस जाएं वो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। DAF में एक 10 पेज का जो फॉर्म होता है, उसका हर एक वर्ड उठाइए, जितने डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आप सोचिए, हर एंगल से सोचिए, कोई भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी हेल्प आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, आप जैसे अपने फ्रेंड को दिखाएंगे, वो एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देगा वहीं पर। तो ये एक फ़ायदा करता है क्वेश्चंस क्रिएट करने में। तो DAF का हर वर्ड काउंट होता है। DAF का प्रिपरेशन अगर आपने ढंग से नहीं किया, तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट इज़, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेंस के प्रिपरेशन में आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में। लाइक आप ऊपर से नॉलेज रखिए, सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, और कुछ डेटा होने चाहिए। बट इन केस ऑफ इंटरव्यू व्हाट हैपेंस दैट यू हैव टू डू PhD। और PhD कौन सी चीज़ में? PhD आपको करना है, PhD इज़ नॉट एक्चुअल PhD, बट PhD लाइक आपको डीप इन डेप्थ जाना है करंट अफेयर टॉपिक्स में। कोई भी टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चल रहा है, लाइक लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस केस हुआ था उस समय, तो उसके बारे में जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ के बारे में पूरा बैकग्राउंड नॉलेज, पूरा इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट, हर चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ क्या था। अगर RBI कुछ रिफॉर्म्स लाती है उसी समय, आपको एक एक सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस, नॉट फॉर मेंस पर्पस। तो आपको हर एक करंट अफेयर्स के टॉपिक में अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज पकड़ होनी चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको DAF के बारे में बताया कि एवरी वर्ड काउंट्स, तो एक एक वर्ड पे आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, उसके आंसर्स भी निकालने हैं। सेकंड मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। थर्ड मैं बता रहा हूँ कि आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस भी कुछ प्रिपेयर करने होते हैं। लाइक आपको बोलेंगे वहाँ पर इंटरव्यू में कि सपोज़ यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ वेरी लो इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स, एंड आई एम गिविंग यू सम फंड, एंड देयर हैज़ बीन स्कार्सिटी ऑफ फूड ऑल्सो, सो वेयर विल यू यूटिलाइज दिस फंड, इन हेल्थ सेक्टर और इन फूड सेक्टर। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे कम अप, स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। व्हाट हैपन दैट एज अ फीमेल ऑफिसर, व्हाट विल यू डू फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फॉर स्पेशली फॉर लेडी कैंडिडेट्स, व्हाट आई विल टेल देम कि आप इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस अपने एंगल से प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज वन और टू क्वेश्चंस दे में आस्क। और मैंने जितने भी पिछले टॉपर्स का जो मैंने उनका इंटरव्यू एनालिसिस पढ़ा है, मैंने ये चीज़ पाया कि फीमेल कैंडिडेट से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता सिचुएशनल। लाइक सपोज़ यू आर मेड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर होम डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट विल बी योर स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मीनस ऑफ करप्शन और रिड्यूस एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपकी आँखें। आपको आंसर करते समय वहाँ 5 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, बोर्ड के 5 मेंबर्स को देखना है। ऐसा नहीं है कि जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा यू हैव टू ओनली सी दैट मेंबर ओनली, नो, यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द 5 मेंबर्स। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, लाइक आपका बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप डर के झुके हुए ना हो वहाँ पे, बट ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि इट लुक्स रूड। तो आपको एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड इट सीम्स दैट यू आर चार्मिंग, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग, आप स्माइल कर रहे हैं वहाँ पे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स इन द बोर्ड रूम और वहाँ पे फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होने में काफ़ी मदद मिलेगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, लाइक फ्लुएंसी होनी चाहिए, बट फ्लुएंसी कभी कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। योर कंटेंट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड कट। कभी कभी होता है कंटेंट हम इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड इटसेल्फ गेट्स कन्फ्यूज्ड। तो आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट करना है, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ कीजिए, वर्ड्स यूज़ कीजिए छोटे छोटे और समझाइए। जितना ईजिली समझा पाएंगे उतना ईजिली आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको जो करने हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो आपको नहीं करने हैं वहाँ पे। पहला पॉइंट है डोंट एवर पैनिक। मैंने ऐसा इंटरव्यूज़ के बारे में भी सुना है, मेरे सीनियर्स ने भी दिया है, जहाँ पे उनकी ग्रिलिंग हुई थी, बहुत ज़बरदस्त ग्रिलिंग किया गया था, उनको लगा कि वो इंटरव्यू अब उनके हाथ से निकल चुका है, बट समहाउ दे वेर कॉन्फिडेंट। वो ग्रिलिंग के बाद ही स्माइल करते हुए आंसर किया और उन्होंने आंसर अच्छा नहीं किया था, बट दे डिड नॉट लूज देयर काम एंड कंपोजर और उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको अपना कामनेस को कभी लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना, इस चीज़ पे हमेशा फोकस कीजिएगा, नेवर एवर पैनिक। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी भी एक्साइटमेंट में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ वहाँ बोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज व्हाट हैपेंस ना, आप कुछ वर्ड बोले वो वर्ड पकड़ करके पूरा इंटरव्यू उसी के मतलब उसी के आसपास घूमता जाएगा, फिर आप यू विल नॉट बी इन योर कम्फर्टेबल जोन। तो इट्स गुड कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और ज़्यादा भी ना बोले वहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज डोंट गिव अननेसेसरी डिटेल्स। कभी कभी आंसर देते देते व्हाट हैपेंस, हम लोग ज़्यादा डिटेल दे देते हैं, क्वेश्चन का जो डिमांड है उससे ज़्यादा दे देते हैं आंसर, तो वहाँ से फिर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। नाउ देयर आर टू फैक्ट्स, वन थिंग इज दैट आइदर यू कैन डिलिबरेटली गिव अननेसेसरी और एक्स्ट्रा फैक्ट सो दैट द इंटरव्यू गोज अराउंड दैट फैक्ट एंड यू कैन यूटिलाइज योर नॉलेज। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ करके एक फैक्ट वहाँ दे दिया जानबूझकर, ताकि इंटरव्यू बोर्ड उस फैक्ट को पकड़ के उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे और वो उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, तो उनके लिए कंफर्टेबल जोन हो जाता है वो, बट दैट इज़ वेरी रिस्की। अगर वो आपके नेगेटिव एरिया में चला गया तो फिर आप वहाँ से संभल नहीं पाइएगा। सो आई वुड से कि डोंट गिव अननेसेसरी फैक्ट्स, जितना पूछा गया उतने पे स्टिक करना चाहिए। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, डोंट एवर गिव फॉल्स डिटेल्स। हमेशा वहाँ ऑनेस्ट रहिए। जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होते हैं दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन आवर एज। हम लोग 25 से लेकर के 25-26 साल की उम्र होती है, उनकी एक्सपीरियंस 35 साल की होती है। सो दे नो व्हेन वी आर लाइंग और व्हेन वी आर गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स और वो वहाँ पे पकड़ लेते हैं। एंड डोंट एवर थिंक कि आप अगर अपने एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो दे डोंट नो अबाउट इट। आई एम फ्रॉम पूर्णिया इन बिहार, फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में मुझे हर बोर्ड में पूछा जाता था और दे हैड कम्प्लीट नॉलेज अबाउट फणीश्वरनाथ रेणु और उनका गांव का नाम तक कि औराही हिंगना एक गांव है उनका, इनके बारे में उनको पता रहता था। सो डोंट थिंक कि आप कोई भी फैक्ट दे करके निकल सकते हैं वहाँ से, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि बहुत फ़ायदा कर सकता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आपका टारगेट हमेशा 200 का होना चाहिए, 200 पे फोकस करके चलिए और यू कैन अचीव इट। थोड़ा बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है और जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने बताए उस पर आप एक बार फोकस कीजिएगा और अपने भी कुछ पॉइंट्स खुद से एक्सपेरिमेंट करके या खुद से सोच के इजाद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।